हेलो एवरीवन, आज हम सीटेट सीडीपी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, वो है सीसीई, जिसका फुल फॉर्म क्या है? कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। हिंदी में जिसको हम क्या बुलाते हैं? सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो इसका क्या मतलब है? तो हमारी जो डिफरेंट एजुकेशन पॉलिसी है, चाहे वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 है, चाहे हमारा एनसीएफ 2005 है, या फिर ऐसी रिपोर्ट्स लर्निंग विदाउट बर्डन और कोठारी कमीशन, इन सब ने है ना ये कहा कि आपको है ना सीसीई को अडॉप्ट करना चाहिए। यानी कि इवैल्यूएशन करने के लिए आपको जो मेथड यूज़ करना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, सीसीई को इम्प्लीमेंट किया सीबीएसई ने। सीबीएसई का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, 2009 में। ठीक है, और आपको पता है हमारा जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो भी 2009 में ही आया था। ये जो एक्ट है इसने सीसीई की बात की और उसके बाद इसे इम्प्लीमेंट किया गया। तो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब होता है एक ऐसा इवैल्यूएशन सिस्टम जिसमें है ना स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन होती है बच्चे की, जिसमें ना सारे एस्पेक्ट कवर किए जाते हैं। ठीक है, सारे एस्पेक्ट का मतलब होता है होलिस्टिकली कवर किया जाता है। बच्चे का बिहेवियर कैसा है, बच्चे का एटीट्यूड कैसा है, बच्चा पढ़ाई में कैसा है, बच्चा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कैसा है, सारे के सारे एस्पेक्ट्स को जब कवर किया जाता है उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो आपको पता है ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक वर्ड है कॉन्टिन्यूस, एक वर्ड है कॉम्प्रिहेंसिव। तो हम इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में इन वर्ड्स को कैसे डिफाइन किया गया है इसको देखते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि आप है ना बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो हो रही है, ठीक है, उसको है ना आप एक दिन से नहीं देखोगे बस। यानी कि एक बच्चा 12 साल का है, वो 13 साल का हो गया, आप उसे सिर्फ 13 साल पे नहीं देखोगे, 12 से 13 ये जो पूरा एक साल का जर्नी रहा है आप उसको ऐसे देखोगे। तो ऐसे ही होती है हमारी टीचिंग एंड लर्निंग। यानी कि आप है ना समेटिव असेसमेंट नहीं करोगे, आप है ना फॉर्मेटिव असेसमेंट को भी बहुत इंपॉर्टेंस दोगे। ठीक है, यानी कि रेगुलरिटी होगी आपके चेक करने के तरीके में, बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है, बच्चे का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, बच्चे की लर्निंग कैसी हो रही है, इन सारी बातों पर आप है ना रेगुलरली चेक करते रहोगे। तो असेसमेंट जो होगा वो बहुत फ्रिक्वेंटली होगा। ठीक है, यानी कि जैसे कि आप है ना यूनिट टेस्ट बहुत जल्दी ले रहे हो, ठीक है, लर्निंग गैप को बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर रहे हो, फिर जो भी गैप्स आपको मिल रहे हैं उनको करेक्ट करने के लिए रेमेडियल टीचिंग आप बहुत जल्दी दे रहे हो। ठीक है, और फिर से आप रीटेस्टिंग कर रहे हो ये चेक करने के लिए कि बच्चे ने सीख लिया गया, टीचर ने सीख लिया गया कि जो मिस्टेक हो रही थी वो क्यों हो रही थी। ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस, लगातार चलता रहेगा ये प्रोसेस। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि पूरे साल टीचर ने देखा नहीं आपको क्या समझ आ रहा है क्या नहीं, और एंड में बस उन्होंने सिर्फ आपका समेटिव एग्जाम ले लिया। ठीक है, तो हमें अपने इवैल्यूएशन को कैसे बनाना है? कॉन्टिन्यूस बनाना है। पहले कैसा हुआ करता था कि सेमेस्टर एंड में, ईयर एंड में जस्ट चेक किया जाता था कि बच्चे को क्या आता है क्या नहीं आता, तो इम्प्रूवमेंट का कोई स्कोप नहीं रहता है। तो कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि फ्रिक्वेंसी चेक करने की, टेस्ट करने की, लर्निंग गैप्स को आइडेंटिफाई करने की बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी। दूसरा वर्ड है कॉम्प्रिहेंसिव। तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है आप है ना सोलिस्टिक और को सोलिस्टिक, यानी कि आपकी जो स्कूल की एक्टिविटीज़ हैं, पढ़ाई से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, और को सोलिस्टिक यानी कि आपकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में उन दोनों का रोल होता है। तो आप उन दोनों को देखोगे, आप है ना बच्चे की एबिलिटीज़ को भी देखोगे, उसके एटीट्यूड को देखोगे, उसके एप्टीट्यूड को देखोगे। ठीक है, उसने जो रिटर्न फॉर्म में आंसर्स लिखे हैं उनको भी देखोगे, लेकिन उसका बिहेवियर कैसा है क्लास में, बाकी बच्चों के साथ बिहेवियर कैसा है, टीचर के साथ बिहेवियर कैसा है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, ये सारी चीज़ें भी आप देखोगे। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हमें चेक करनी होती है? तो सबसे पहले हम बच्चे की नॉलेज चेक करते हैं। ठीक है, फिर उसकी चेक करते हैं अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंशन पावर। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है, नॉलेज का मतलब तो होता है कि आपको क्या क्या पता है, फिर है ना आप समझते क्या क्या हो। ठीक है, आपका कॉम्प्रिहेंशन कैसा है, आप बातों को कॉम्प्रिहेंड कर पाते हो, जो एक पूरा का पूरी बात किसी ने आपसे कही हो उसके सारे के सारे डॉट्स को आप कनेक्ट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, अप्लाई कर पाते हो, यानी कि जो नॉलेज आपको स्कूल में मिली वो नॉलेज आप अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में अप्लाई कर पाओगे। एनालाइज़ कर पाते हो, एनालाइज का मतलब होता है जब आप देख पाते हो सिचुएशन को कि जैसे कोई चीज़ हुई तो उस क्यों हुई, उसका जो रीज़न आप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो उसको हम क्या बोलते हैं? एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, इवैल्यूएट कर पाओगे, मूल्यांकन कर पाओगे, जैसे आपका मूल्यांकन हो रहा है वैसे आप उस सिचुएशन का मूल्यांकन कर पाओगे क्या। ठीक है, और उसके बाद आता है क्रिएटिंग। क्रिएटिंग का मतलब होता है आप अपने आप से कोई क्रिएटिविटी दिखा के अपनी कोई चीज़ क्रिएट कर पाओगे क्या, ये सारी नॉलेज जो आपको मिली थी, ठीक है, उसको अप्लाई करके आप कुछ कर पाओगे। इसको ना आप ऐसे देखो जैसे आप है ना इंजीनियरिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, या फिर चलो वो एग्जाम्पल छोड़ो, आप है ना टीचिंग का एग्जाम्पल लीजिए। तो आपको है ना बीएड में बहुत सारी ट्रेनिंग्स, बहुत सारी माइक्रो टीचिंग्स क्लासेस, ठीक है, इंटर्नशिप, बहुत कुछ कराया गया ना। अब आप जब टीचर बन रहे हो, ठीक है, अगर आप में से कोई स्कूल में पढ़ा रहा है या फिर नहीं पढ़ा रहा है अभी, तो आपके एप्टीट्यूड में क्या क्या चीज़ें चेंज आई है, आप अब वो सारी की सारी नॉलेज जो आपको मिली थी उसको लाइफ में अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे किसके? सीसीई के, यानी कि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने हमें बताए हैं। तो वो चाहते हैं कि आपकी कॉग्निटिव यानी कि आपकी जो मानसिक एबिलिटीज़ है वो बढ़े, आपकी जो फिजिकल डोमेन है ठीक है वो बढ़े, और अफेक्टिव स्किल्स यानी कि आपका हार्ट, हैंड और हेड तीनों चीज़ें जो है वो आपस में लिंक करके चले ठीक है। यानी कि आपकी फिजिकल ग्रोथ भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी मेंटल ग्रोथ भी अच्छी होनी चाहिए, और आपकी सोशियो इमोशनल ग्रोथ भी अच्छी होनी चाहिए। अफेक्टिव स्किल्स में आती है हमारी सोशियो इमोशनल ग्रोथ ठीक है। उसके बाद है ना उन्होंने कहा कि आपको है ना थॉट प्रोसेस पे ध्यान देना है, यानी कि रट्टा मारने पे आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। बच्चा समझे, उसकी जो सोच है वो विकसित होए, हमारा ध्यान इस बात पे होना चाहिए, ना कि ये कि रट के वो 90% मार्क्स ले आया और उसके बाद वो उस चीज़ को फिर से भूल गया ठीक है। इवैल्यूएशन को आप है ना टीचिंग लर्निंग का इंटीग्रल पार्ट बनाओगे, यानी कि है ना आप मूल्यांकन करते रहोगे, चेक करते रहोगे कि किसी को कोई बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है ठीक है। उसके बाद है ना इवैल्यूएशन में है ना आप बच्चे की अचीवमेंट को है ना इम्प्रूव करोगे, स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करोगे। अब इसको कैसे देखें, ये दो वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं, डायग्नोसिस एंड रेमेडियल। सोचिए आपने है ना बच्चे का कोई टेस्ट लिया, टेस्ट में है ना बहुत सारी गलतियाँ निकली, यानी कि उसे कोई बात समझ नहीं आ रही, इससे हमें एक तो पता चला डायग्नोसिस बोलते हैं इसको। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप उन्हें कुछ सिम्टम्स बताते हो, वो आपको कुछ टेस्ट करने के लिए कहते हैं और उससे है ना वो डायग्नोस कर पाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। वैसे ही जब टीचर है ना बच्चे के एरर्स को देखती है तो वो समझ जाती है कि बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, तो इसको तो हम बोलते हैं डायग्नोसिस ठीक है। आपने प्रॉब्लम का पता लगा लिया कि बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आपको ये पता चल गया। उसके बाद होती है रेमेडी, वो आपको दवाई लिख के दे देता है तो आप ठीक हो जाते हो। तो ऐसे ही होती हैं स्कूल में रेमेडियल क्लासेस, रेमेडियल इंस्ट्रक्शन। रेमेडियल इंस्ट्रक्शन का मतलब है जो बच्चे का कॉन्सेप्ट वीक है उस कॉन्सेप्ट पे अब टीचर वर्क करेगी, खुद भी वर्क करेगी और बच्चे से भी वर्क कराएगी ठीक है, ताकि वो उस चीज़ को और बेटर तरीके से, दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करेगी जो उसको समझ में नहीं आ रही थी ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डायग्नोसिस एंड रेमेडी ठीक है। उसके बाद आप है ना बहुत क्वालिटी के इवैल्यूएशन को देखोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, लर्निंग इन्वायरमेंट आपको ना बहुत अच्छा प्रोवाइड करना है ठीक है, डिज़ायरेबल बनाना है आपको लर्निंग प्रोसेस को ठीक है। और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो लर्नर सेंटर होना चाहिए या फिर चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। आपको पता है ना पहले जो हमारा पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था वो टीचर सेंटर्ड होता था ठीक है। ये माना जाता था कि टीचर के पास सारा ज्ञान है और वही ज्ञान देता है, लेकिन आजकल हमारा सारा फोकस होता है चाइल्ड सेंटर्ड पे। हम मानते हैं कि बच्चे के पास अपना ज्ञान है, टीचर का रोल तो सिर्फ फैसिलिटेटर का है। उसके बाद मेन में अगर जिस्ट में हम देखें तो इसका मतलब क्या है, तो हम बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट देखेंगे ठीक है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट देखने के लिए होलिस्टिक असेसमेंट भी तो करना पड़ेगा ना। सोचिए मैं बच्चे के सिर्फ मार्क्स चेक करती हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो बहुत अच्छा सिंगर भी है, मुझे कैसे पता चलेगा वो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में भी है, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो डिबेट में बहुत अच्छा है ठीक है। तो ये सारी बातें कैसे पता चलेगी, तो होलिस्टिक असेसमेंट ही मुझे ये सारी बातें बता सकता है ना ठीक है। असेसमेंट जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करता हो, ये नहीं है कि सिर्फ एक एस्पेक्ट को चेक करता है। हमेशा हमारा फोकस क्या रहता है, 90% मार्क्स लाओ, 90% मार्क्स लाओ ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है। उसके बाद है ना असेसमेंट और ज़्यादा रेगुलर होना चाहिए, तो ये इसका जिस्ट है। उसके बाद देखते हैं असेसमेंट किन बातों पे फोकस करना चाहिए, लर्नर के पास कौन कौन सी एबिलिटी पे असेसमेंट को फोकस करना चाहिए, कि बच्चे ने वो स्किल सीख ली है क्या जो हम उसे सिखाना चाहते थे। डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट एरिया में उसके पास कैसी कैसी स्किल्स है इस बारे में ठीक है। डिफरेंट सब्जेक्ट एरिया में उसका अचीवमेंट का लेवल क्या है, यानी कि वो मैथ्स में कैसा है, वो हिंदी में कैसा है, वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कैसा है ठीक है। इंडिविजुअल स्किल्स पे भी हमें ध्यान देना है। इंडिविजुअल स्किल का मतलब होता है, अब देखो हर बच्चे को तो ये बात पसंद नहीं होती, लेकिन कोई कोई बच्चा होता है उसको है ना ड्राइंग, उसकी ड्राइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, बहुत अच्छी होती है उसकी ड्राइंग। कोई कोई बच्चा होता है वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है ठीक है। तो ये जो उसके इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, एटीट्यूड है, मोटिवेशन है, इन सब पे भी हमारा ध्यान होना चाहिए। असेसमेंट में हम इन सब चीज़ों को भी चेक करेंगे ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि बच्चा एक हेल्दी और प्रोडक्टिव लाइफ जी रहा है कि नहीं जी रहा ठीक है। हेल्दी और प्रोडक्टिव लाइफ का मतलब होता है हमें बस ये नहीं देखना है कि वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, हमें ये भी देखना है क्या वो मेंटली ठीक है ठीक है, क्या वो सोशली ठीक है, क्योंकि हेल्थ को कैसे डिफाइन किया गया। हेल्थ का मतलब होता है आपकी फिजिकल बॉडी भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, और आपकी जो सोशल हेल्थ है ठीक है वो भी अच्छी होनी चाहिए। ये तीनों एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तब हम किसी को हेल्दी कहते हैं। प्रोडक्टिव लाइफ का मतलब होता है कोई मीनिंग है उसकी लाइफ का, ऐसे ही नहीं है ना कि बस जो लाइफ सब जी रहे हैं वही वो जी रहा है ठीक है। तो प्रोडक्टिव लाइफ का मतलब होता है जब हम अपनी लाइफ का कोई पर्पस ढूंढ लेते हैं ठीक है। जो सारी दुनिया ने किया है वही आपको करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढना है कि आप किस लिए इस दुनिया में आए हो ठीक है, आप क्या सोसाइटी को दे सकते हो, क्या आप बेटर कर सकते हो सोसाइटी के लिए ठीक है। उसके बाद है ना आपको बच्चे के लर्निंग में, बिहेवियर में, प्रोग्रेस में जो चेंजेस आ रहे हैं टाइम के साथ, क्या बेटर हो रहा है, क्या डिग्रेड हो रहा है ठीक है, उन चीज़ों को आपको चेक करते रहना है, मॉनिटर करते रहना है। उसके बाद है ना डिफरेंट सिचुएशंस में, अपॉर्चुनिटीज़ में आपको रिस्पॉन्ड कैसे करता है बच्चा, ये देखते रहना है। तो आपको उसके अलावा क्या देखना है, बच्चे ने जो चीज़ें क्लास में सीखी थी वो उन्हें डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में, सर्कमस्टेंसेज में, सिचुएशंस में अप्लाई कर पाता है कि नहीं कर पाता। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, सोचिए आपने है ना साइंस की क्लास में आज बच्चों को पढ़ाया कि जो दही जमाने का प्रोसेस होता है, उसमें है ना लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो ये बात है ना वो घर जाके भी अपनी मम्मी को बताए कि दही जमाने के लिए हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं उसमें ना लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो साइंस को, घर की लाइफ को अलग समझता हो, उसे लगता हो कि स्कूल में जो मैं पढ़ रहा हूँ ना ये तो बस स्कूल तक रहना चाहिए, ठीक है। तो कनेक्शन होना चाहिए उनके बीच में। वर्क इंडिपेंडेंटली, कोलैबोरेटली एंड हार्मोनियसली, यानी कि खुद भी काम कर पाता हो, अकेले सारे काम कर पाता हो। लोगों के साथ कोलैबोरेशन में अगर वर्क दे दिया जाए, यानी कि ग्रुप वर्क करने को अगर दे दिया जाए तो आराम से। हार्मोनियसली का मतलब होता है बिना झगड़ा लड़ाई किए बहुत प्यार से वो चीज़ें कर पाते हो बच्चे, यानी कि लर्नर जो है वो सबके साथ अच्छे से घुल मिल के काम कर पाता हो, ठीक है। एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन की प्रॉपर्टी उसके अंदर है कि नहीं है। सोशल और इन्वायरमेंटल इशूज़ को जानता है कि नहीं जानता, उसे पता है ना कि पोल्यूशन एक प्रॉब्लम है, ठीक है। जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो एक सोशल ईविल है, ये सारी बातें समझता है कि नहीं समझता है, ठीक है। सोशल और इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स में और कॉजेज़ में पार्टिसिपेट करता है कि नहीं करता है, यानी कि अगर आपने एक प्लांटेशन ड्राइव रखी है कि आज हम है ना बहुत सारे प्लांट्स लगाएंगे डिफरेंट डिफरेंट एरिया में क्योंकि पोल्यूशन बहुत बढ़ते जा रहा है, तो ऐसे कॉजेज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। और याद रख पाता है क्या, रिटेन कर पाता है क्या, जो चीज़ें उसे आपने सिखाई थी उन बातों को लंबे समय तक याद रख पाता है क्या। रिटेन करने का मतलब होता है, एक होता है आपने है ना क्लास टीचर ने कहा कि कल मैं ये टॉपिक आपसे सुनूंगी, तो आपने जैसे आप ही है 8 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम है, तो आज आप ये सीसी इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आपका 8 दिन के बाद एग्ज़ाम है और फिर आप इसे भूल जाओगे या फिर आप पूरी लाइफ के लिए समझ जाओगे क्योंकि आप टीचर हो, क्योंकि आपको तो हमेशा इन सब प्रोसेस की ज़रूरत पड़ेगी। इवैल्यूएशन का मीनिंग अगर आप नहीं समझते होगे तो आप करोगे कैसे, है ना। तो लंबे समय तक जब आप किसी बात को जो सीखी थी आपने उसको याद रख पाते हो, उसको हम बोलते हैं रिटेंशन। उसके बाद है कि ज़रूरत क्या पड़ी, ये सीसी की हमको ज़रूरत क्या है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की हमको ज़रूरत क्या है। पहली बात ये हमारी असेसमेंट में हेल्प करता है, लर्नर को असेस करने में हेल्प करता है, बच्चे के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में हमारी मदद करता है, उसके सब्जेक्ट में उसकी कैसी प्रोग्रेस चल रही है ये देखने में मदद करता है, और क्रॉस करिकुलर बाउंड्रीज़ यानी कि वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कैसा है, डिफरेंट लोगों के साथ उसका बिहेवियर कैसा है, इन सब चीज़ों को असेस करने में हमारी हेल्प करता है। बच्चे के बारे में है ना कॉन्टिन्यूसली इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहती है और उसको हम रिकॉर्ड करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना लर्नर के रिस्पॉन्ड करने के तरीका कैसा है, उसको हम कितना टाइम उसको लगता है कोई चीज़ सीखने में, करने में, ये सब बातें हमें पता चलती रहती है, ठीक है। ये उसकी एक तरीके से रिपोर्ट बन रही है ना, ठीक है। उसके बाद है ना फीडबैक दे पाएंगे ना हम उस पर। फीडबैक का मतलब होता है जब मुझे यही नहीं पता होगा कि मेरे बच्चे को क्या समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं उसे कैसे समझाऊंगी। तो पहले मुझे पता होना चाहिए कि क्या बात बच्चे को समझ नहीं आ रही है, फिर मैं बच्चे को बताऊंगी कि तुम्हें ना ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। फीडबैक उसे मिला और अब है ना वो और मैं दोनों मिलकर काम करेंगे ना उस पर, तभी तो वो बेटर होगा, लर्निंग बेटर होगी। उसके बाद होता है असेसमेंट में हमें क्या नहीं करना चाहिए, असेसमेंट में हमारा फोकस क्या नहीं होना चाहिए, लेबल नहीं करना है। आप ये असेसमेंट इसलिए नहीं कर रहे हो कि आप बच्चे को बोल सको तुम तो स्लो हो, तुम तो स्लो लर्नर हो, तुम तो बहुत पुअर हो, तुम तो इंटेलिजेंट नहीं हो, ठीक है, बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं हो, ठीक है। लेबल नहीं करना है आपको, या फिर कोई इंटेलिजेंट भी है उसको आप है ना बहुत ज़्यादा ऐसे हवा में नहीं वो कर दोगे कि उसको बहुत ज़्यादा अगर प्रेज़ मिलेगा तो हो सकता है वो ओवर कॉन्फिडेंट बन जाए, ठीक है। कंपैरिजन नहीं करोगे आप, ये नहीं बोलोगे देखो उस बच्चे को देखो, देखो उस बच्चे को देखो वो कितना अच्छा कर रहा है, तुम हमेशा क्या करते रहते हो। तो आपको पता है ना कंपैरिजन करना, लेबलिंग करना, नेगेटिव स्टेटमेंट देना, ये हमारा असेसमेंट का बिल्कुल भी पर्पज़ नहीं होता है, ठीक है। नेगेटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है टीचर कभी कभी ना बहुत ही रूड बातें कह देती है बच्चे से, तुम तो अपने घर वालों का पैसा बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारा तो लाइफ में कुछ हो ही नहीं पाएगा, तुम्हें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं आता तो तुम्हारा लाइफ में कुछ हो ही नहीं पाएगा, क्या क्या ऐसा सच होता है। अब एक बात बताइए, सचिन तेंदुलकर पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, ठीक है, लेकिन क्या उन्हें ज़रूरत है पढ़ाई में बहुत अच्छा होने की। आपको अपनी बेसिक एजुकेशन तो एजुकेटेड होने के लिए आप कंप्लीट करते हो, लेकिन वो देखो वो स्पोर्ट्स में कितने अच्छे थे, या लता मंगेशकर पढ़ाई में कैसी है, इससे कोई फ़र्क पड़ता है क्या, लेकिन उनकी आवाज़ में जो मेलेडी है वो इम्पॉर्टेंट है ना। तो आप लाइफ में है ना बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में थोड़े स्लो हो भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लाइफ में आप बाकी चीज़ों में बहुत बेटर कर लोगे। उसके बाद है सीसीए में हम क्या क्या चीज़ों को चेक करते हैं, तो मैंने बताया ना हम वहाँ पे ना सोलिस्टिक और को सोलिस्टिक दोनों एक्टिविटीज़ को चेक करेंगे। तो सोलिस्टिक में आता है आपके करिकुलर एरिया, आपके सब्जेक्ट एरिया, यानी कि आप है ना मैथ, साइंस, ये सब कुछ जो पढ़ रहे हो, ठीक है। और को सोलिस्टिक में क्या आती है, हमारी लाइफ स्किल्स, को करिकुलर एक्टिविटीज़, एटीट्यूड, वैल्यूज़, ठीक है। और दोनों को आपको रिकग्निशन देना है, दोनों को आपको इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। उसके बाद है ना असेसमेंट सोलिस्टिक एरिया में कैसे की जाती है, इनफॉर्मली भी की जाती है और फॉर्मली भी की जाती है, मल्टीपल टेक्निक्स है इवैल्यूएशन करने की। तो उसके बाद आपको डायग्नोसिस पता चलता है और फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी पूर परफॉर्मेंस हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, रेमेडियल प्रोवाइड कर सकते हो, रीटेस्टिंग कर सकते हो फिर से। उसके बाद है ना को सोलिस्टिक एरिया में भी मल्टीपल टेक्निक से चेक करने की, ठीक है, लाइफ स्किल्स चेक करने की, उसके बाद है ना असेसमेंट कैसे कैसे हो सकता है, आप है ना वीकली असेस कर सकते हो बच्चे को, यानी कि आप हर हफ्ते कोई ना कोई टेस्ट ले रहे हो, ओरल टेस्ट ले रहे हो, क्विज ले रहे हो, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो। फोर नाइटली का मतलब होता है 15 दिनों में, ठीक है, यानी कि आप 15 दिनों में चेक कर रहे हो, क्वार्टरली चेक कर रहे हो, ठीक है, और आप एनुअली चेक कर रहे हो। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप फ्रीक्वेंसी कुछ भी रख सकते हो, इवन आप डेली बेसिस पे भी चेक कर सकते हो। उसके बाद आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। तो ये सारे वर्ड्स हैं ना आपको बहुत अच्छे से समझने हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट को कभी कभी वो लिखेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो आपके लिए ना क्वेश्चन आएगा ऐसे आएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट कैन बी डिफाइन एज असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेटिव में आता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ना बच्चे की असेसमेंट हम कॉन्टीन्यूसली करते रहते हैं और उसे फीडबैक प्रोवाइड करते रहते हैं थ्रू आउट द कोर्स, यानी कि ड्यूरिंग द कोर्स चलता रहता है आपका, यानी कि जब बच्चा सीख रहा है ना तभी के तभी आपकी ये असेसमेंट चल रही होती है, ठीक है। कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी है ये, लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही होती रहती है। इसमें टीचर को फीडबैक मिलता है और वो लर्नर को बताती है कि ये आपके लर्निंग गैप्स है, और वो दोनों के दोनों टीचर और स्टूडेंट इसमें इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। फिर टीचर उनसे पूछते हैं कि आपको ये बात क्यों समझ नहीं आ रही, तो बच्चा बता देता है, ठीक है। तो क्लास टेस्ट के थ्रू इसको आप कर सकते हो, ऑरल टेस्ट के थ्रू कर सकते हो, कॉन्सेप्ट में बहुत सारे तरीके हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट करने के, अनलिमिटेड वेज है। उसके बाद आता है समेटिव असेसमेंट, जिसको हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग बुलाते हैं, ठीक है। ये किसी भी चीज़ के एंड पे किया जाता है, यानी कि जब आपकी लर्निंग खत्म हो जाएगी ना तभी किया जाता है। तो आपके जो सेमेस्टर एंड के एग्जामिनेशन होते हैं, आपके जो एनुअल एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है, आपके जो फाइनल बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, फाइनल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। मोस्टली ये ज़्यादा टीचर कंट्रोल होता है, इसमें ना इंप्रूवमेंट का ज़्यादा स्कोप नहीं है क्योंकि लर्निंग तो खत्म हो गई ना, तब लिया जा रहा है। सेमेस्टर खत्म हो गया, अब थोड़ी इंप्रूव कर पाओगे आप एकदम से, या तो आपको अब नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़नी पड़ेगी वो चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे ना इंप्रूवमेंट का स्कोप बहुत कम होता है, ठीक है। समेटिव असेसमेंट जो होता है ये एक फॉर्मल तरीका होता है बच्चे की लर्निंग को इवेलुएट करने का, और एक तरीके से इसमें ना हम जजमेंट देते हैं, आप पास हो, आप फेल हो, ठीक है, ये सारी बातें पता चलती है, आपका किसी कोर्स में एडमिशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, आपको जॉब मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, ये सारी चीज़ें क्या है, समेटिव असेसमेंट के अंदर आती है। तो जैसे आपका एक कोर्स खत्म हुआ, जो आपके फाइनल टर्म के एग्जाम होंगे वो क्या है, समेटिव असेसमेंट है। आप कोई मॉड्यूल कर रहे थे, आप कोई ट्रेनिंग कर रहे थे, उसके एंड में जो आपका टेस्ट लिया जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, समेटिव असेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे जितने भी सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन है, एनुअल एग्जामिनेशन है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, समेटिव असेसमेंट, क्योंकि ये सब क्या चेक करते हैं कि आपने पूरे टाइम में जो आपको ये वक्त मिला था, 3 साल अगर ग्रेजुएशन के मिले थे तो आपने क्या सीखा, 2 साल बीएड के मिले थे तो आपने क्या सीखा, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या चेक करते हैं कि आपकी क्या नॉलेज है, ठीक है। और मोस्टली ये थोड़ा जजमेंटल तरीका है, इसमें इंप्रूवमेंट का स्कोप बहुत कम है और टीचर कंट्रोल ज़्यादा होता है समेटिव असेसमेंट। उसके बाद आता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो देखो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है, क्योंकि मैंने बताया ना फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द ईयर चलता रहता है, तो उसमें ना हम हमेशा ये चेक करते रहते हैं कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कैपेबिलिटीज़ क्या है, और मिसकंसेप्शंस क्या है, उसकी लर्निंग गैप्स क्या है। जब इन लर्निंग गैप्स को आप इंप्रूव कर मतलब पहचान जाते हो, फिर आप इन पर ना इंप्रूव करते हो, ठीक है। तो ये ना टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने में हमारी मदद करता है। डायग्नोसिस से हमें पता क्या चलता है, मिसकंसेप्शंस पता चलते हैं हमें, बच्चे के पास क्या क्या कॉन्सेप्ट जो मुझे तो लग रहा था कि मैंने अच्छे से पढ़ा दिया लेकिन बच्चा नहीं समझ पाया अभी भी, तो है ना फीडबैक मिलता है, मुझे भी फीडबैक मिलता है, बच्चे के लिए भी फीडबैक मिलता है, और अब उसे रेमेडियल क्लासेस दी जाएगी। उसके बाद रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, तो बच्चे के मिसकंसेप्शन तो आपने पहचान लिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट करके आपने बच्चे के मिसकंसेप्शन जान लिए। अब आप है ना अपनी टेक्निक को चेंज करोगे, हो सकता है आपने पहले वो चीज़ है ना किसी और तरीके से पढ़ाई थी, आपको लगा उससे तो बच्चे को समझ नहीं आई, मैं दूसरी टेक्निक यूज़ करके देखती हूँ शायद वो उससे समझ जाए, ठीक है। इसमें मोस्टली हम 1-to-1 इंस्ट्रक्शन देते हैं। सोचिए किसी एक बच्चे को एक पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसे अपने पास बुलाऊंगी और मैं उसको 1-to-1 इंस्ट्रक्शन दूंगी, यानी कि मैं उसको अब अकेले में समझाऊंगी, ठीक है। या फिर मैं ऐसा कर सकती हूँ, एक पूरा मैंने देखा 5, 6, 10 बच्चे ऐसे निकले क्लास में से जिन्हें एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आ रहा, मैंने उनका एक स्मॉल ग्रुप बना दिया और उनको मैंने सिखाया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्मॉल ग्रुप टीचिंग। और असिस्टेंट मिलती है इसमें वीक स्टूडेंट को। देखो क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं वो पढ़ाई में थोड़े से वीक होते हैं, ठीक है। तो अब है ना मैं उनके पास या तो एक ऐसा पेयर दे दूंगी उनको जो उनकी हेल्प करेगा, या फिर मैं खुद उनकी हेल्प करूँगी, ठीक है। तो वीक स्टूडेंट्स या फिर वीक स्टूडेंट तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन होता है ना कोई पर्टिकुलर एरिया है, सोचिए मैथ्स है, आपको मैथ्स बहुत पसंद है लेकिन उसी में एक टॉपिक है जो आपको इतना पसंद नहीं है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में आपको जो हेल्प मिल जाएगी, असिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक। उसके बाद है ना समेटिव असेसमेंट एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको पता है समेटिव असेसमेंट जो होता है ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के एंड में होता है, फॉर्मेटिव जो होता है वो ड्यूरिंग द होता है, यानी कि दौरान चल रहा होता है, जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है उसी दौरान आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट भी चलता रहता है। समेटिव असेसमेंट होता है मोस्टली वो जजमेंट देता है, आप पास हो गए, आप फेल हो गए, आप नेक्स्ट क्लास में जा रहे हो, आप एंट्रेंस पास कर गए, आपको जॉब मिल रही है, नहीं मिल रही है, ये सारी चीज़ें जजमेंट है ना। उसके बाद है ना फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो इंप्रूवमेंट का स्कोप रखता है, आपको कोई बात समझ नहीं आ रही है वो इंप्रूव करने की ट्राई करेगा। ठीक है, सममेटिव असेसमेंट जो है वन टाइम असेसमेंट है, एनुअल एग्जामिनेशन बार बार नहीं होंगे, एनुअल है तो ऑब्वियसली सी बात है साल में एक बार लिए जाएंगे। ठीक है, फॉर्मेटिव में क्या होता है, रेगुलर हो सकता है, मैंने बताया ना, आप वीकली कर सकते हो, आप 15 दिन में कर सकते हो, आप क्वार्टरली कर सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो डेली भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, टीचर के ऊपर है। उसके बाद है ना समेटिव असेसमेंट में कैसे कैसे एग्जाम आते हैं, मोस्टली पेन पेपर वाले मेथड होते हैं, 3 घंटे जिनके लिए हमें दिए जाते हैं, सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन, फाइनल ग्रुप प्रोजेक्ट्स, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, समेटिव असेसमेंट के एग्जाम्पल है। फॉर्मेटिव में क्या होता है, अनलिमिटेड मेथड है, मैं ओरल टेस्ट ले सकती हूँ, मैं क्विज करा सकती हूँ, मैं डिबेट करा सकती हूँ, मैं डिस्कशन करा सकती हूँ, मैं लैबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट करा सकती हूँ, कॉन्सेप्ट मैप दे सकती हूँ, बच्चे को कोई असाइनमेंट दे सकती हूँ, ये सब तरीके क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है। ऑब्जर्वेशन कर सकती हूँ, बच्चे को देख सकती हूँ। समेटिव असेसमेंट जो है ये एंजाइटी लाते हैं बच्चे के अंदर, स्ट्रेस लाते हैं, फियर लाते हैं, बच्चे को लगता है मैं फेल हो जाऊँगा, फाइनल एग्जामिनेशन आ गए फेल हो गया, लेकिन आपको कभी क्लास टेस्ट में फेल होने का इतना डर लगता है, नहीं लगता है। ठीक है, तो ये ना बहुत ज़्यादा एंजाइटी को प्रमोट करते हैं, स्ट्रेस को बढ़ाते हैं बच्चे के अंदर। लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, बच्चे के अंदर मोटिवेशन आता है, सेल्फ स्टीम बढ़ता है, उसको लगता है अच्छा आज मैं नहीं बता पाया ना, कल मैं पढ़ के जाऊँगा, कल मेरे को आता होगा ये आंसर। ठीक है, उसके बाद जो समेटिव असेसमेंट है उसको अनफेयर एंड अनसाइंटिफिक माना गया, क्योंकि आप है ना एकदम से 3 घंटे में आप बोल दे रहे हो कि ये जो 3 घंटे में आपने परफॉर्मेंस दी है इससे डिसाइड होगा आपकी पूरी लाइफ आप क्या करोगे, नहीं ना। लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, फेयर और साइंटिफिक है। होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए होलिस्टिक असेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, होलिस्टिक एंड कोर्स होलिस्टिक दोनों को इवैल्यूएट किया जाना चाहिए, आपका एटीट्यूड, आपका एप्टीट्यूड, लाइफ स्किल, इंटरेस्ट सब कुछ अकाउंट में लेना चाहिए, और आपके जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उनको भी कैटर किया जाएगा। ठीक है, हो सकता है आप डांसिंग में बहुत अच्छे हो सकता है आप सिंगिंग में बहुत अच्छे हो सकता है आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं। ठीक है, 3 घंटे जो है वो आपका फ्यूचर, आपकी लाइफ वर्थ डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका सीटेट का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, आप क्लियर कर लेते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्लियर नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, आप दूसरे अटैम्प्ट में क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो 3 आवर्स ये डिसाइड नहीं कर सकते कभी भी कि आपकी पूरी ज़िंदगी की वर्थ क्या है। थैंक यू, आई होप आपको इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं है, अगर कोई डाउट है तो मुझे कॉमेंट्स में बताइए। ऑलमोस्ट हमारा CDP का सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए हैं, और CDP की प्लेलिस्ट में मैं इसको भी अपडेट कर दूँगी। अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा।